आज का जो आप लोगों की बीगवा की तरफ से रैली हुआ था, मुजाहरा हुआ था, बाद में जो ये शिलंग हुआ था, ये हुकूमत की तरफ से ये रवैया को कैसे देखते हैं आप? झुकेगा जुल्म का परचम यकीन आज भी है, मेरे ख्याल की दुनिया हसीन आज भी है। बहुत हवाएं चली मेरे रुख बदलने को, बहुत हवाएं चली मेरे रुख बदलने को, मेरी निगाह में वो सरजमीन आज भी है। सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज के इस गंभीर और कसमपुरसी की हालत में आप जो है हमारे यहाँ आकर इस एहतजाज को कवरेज कर रहे हैं। जहाँ तक आपने कहा था कि एहतजाज के हवाले से, ये सूबे बलूचिस्तान के हवाले से, नो डाउट कि ये सूबा पाकिस्तान का सबसे रिच सूबा कहा जाता है कि इस सूबे में रिकॉर्ड एक है, इस सूबे में 750 किलोमीटर साहिल है, इस सूबे में नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इस सूबे में अल्लाह की खुदादाद सलाहियतें, बहुत सी नियामतें इस सूबे में। इसके बावजूद भी हमारे हुक्मरान ये कह रहे हैं कि ये सूबा गरीब है, हमारे पास वसाइल नहीं है। जनाब आला, ये मैं आपको बताते चलूँ कि आज जिस डिमांड के हवाले से बेओगा के जरिए प्लेटफार्म से हम मुतालबा कर रहे हैं, इसी की मुतालबा के पादाश में आज हमें शिलिंग हुई, लाठीचार्ज हुई और हमारे कमाश, हमारे मुअज्जिज़ एक साथी जो इसको जख्मी हुई वो इस वक्त अस्पताल में जेर इलाज है। इसलिए कि हम अपने हुकूक मांग रहे हैं, यही हुकूक पंजाब के लिए सही है, यही हुकूक सिंध के लिए सही है, सरहद कैपिके के लिए सही है। वहाँ शिलिंग नहीं होती, वहाँ इस्लामाबाद में अगीगा ने जब एहतजाज किया था, वहाँ के इंतजामिया, वहाँ के पुलिस अगीगा के सरबरा के साथ मिले हुए थे एक साथ है। लेकिन यहाँ हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आल मुलाजमीन के बेवगा के प्लेटफार्म से आज इकट्ठे, उन्हें अपने हकूक के पादाश में अपने हकूक के लिए उन्हें जो है शिलिंग की गई और आजादों के था। हम ये बताते चलें कि इससे पहले भी इसी तरह के मुसीबतें तकालीफें हमें जो है उठानी पड़ी। आज मुलाजमीन और पर्टिकुलर में ये कह रहा हूँ कि असातजा करा जो मरात ले रहे हैं, ये कुर्बानियों के नतीजे से हमें मिल रहे हैं। हम इनके लाठियों से शिलंग से डरने वाले नहीं हैं। अब भी हम अपने हुक्मरान को कहना चाहते हैं कि होश के नाखून लें, मुलाजमीन को मजीद आजमाइश में न डालें, उनके जायज़ हकूक उनको दे दें। जो ऐलानात वफाक ने किए हैं उन्हीं ऐलानात के मुताबिक उनको मद्देनजर रखकर बलूचिस्तान के मुलाजमीन को भी ये जो है फैसिलिटेट, ये भी ऐलानात हैं वो भी कर लें। बलूचिस्तान के मुलाजमीन को ये जो है, ये अमीर होते हुए भी उनको गरीब कहना, गरीब के जुमरे में कहना, ये मैं समझता हूँ ज्यादती होगी। आज हमारे हुक्मरान जिससे जो है ऐशो अशरत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि हमारे पास वसाइल नहीं है, ये अफसोस का मकाम है। मनुष्य